बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस से आज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू विंग यानी आर्थिक अपराध शाखा पूछताछ करेगी। बताया जा रहा है कि जैकलीन से पूछताछ के लिए ईओडब्ल्यू ने सवालों की एक लंबी फेहरिस्त तैयार की है। उनसे 200 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की जाएगी। सुकेश चंद्रशेखर से मिले महंगे तोहफों पर भी उनसे पूछताछ होगी। तो सुकेश से कैसे और क्यों मिलते रहे महंगे गिफ्ट से ये सवाल किया जाएगा। वहीं क्या रिश्ते थे सुकेश से इस पर भी जैकलीन से सवाल किए जाएंगे। कई ऐसे सबूत हैं जो इस वक्त ईडी के पास मौजूद हैं। सुकेश से कितनी बार मिली, कितनी बार फोन किया, कितनी रकम उनसे ली, कितने गिफ्ट्स लिए, कैसे और क्यों मिलते रहे ये महंगे गिफ्ट, ये भी जैकलीन से पूछा जाएगा। इसके अलावा पिंकी ईरानी, जैकलीन आमने सामने पूछताछ इन दोनों से की जाएगी। अब आपको दिखा दें महंगे गिफ्ट्स की वो फेहरिस्त जो जैकलीन ने सुकेश से लिए। महंगी इयररिंग्स की 15 जोड़ी, करोड़ों के गहनों का गिफ्ट, लग्जरी कार का तोहफा, रोलेक्स और महंगी घड़ियां, 57 लाख का एक महंगा घोड़ा। तो इन तीनों के बीच कनेक्शन क्या है ये भी आपको दिखा देते हैं। मास्टरमाइंड सुकेश से रिश्ते का आरोप जैकलीन फर्नांडिस पर लगा है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में इस वक्त सुकेश बंद है। वहीं नौरा फतेही से भी सवाल जवाब किए गए थे सुकेश से रिश्तों को लेकर। जांच के लिए पुलिस का तीसरा समन जैकलीन तक जा चुका है। ईडी और दिल्ली पुलिस को भी की भी जांच सुकेश पर चल रही है। तो ये बॉलीवुड कनेक्शन सुकेश रंजन का हम आपको दिखा रहे हैं, जो 200 करोड़ की ठगी का मास्टरमाइंड है। तो ये बॉलीवुड का नेक्सस सुकेश चंद्रशेखर के साथ हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है सुकेश। नौरा फतेही से भी पहले पूछताछ ईडी द्वारा की गई थी, लेकिन अब बड़ा शिकंजा जैकलीन पर कसने की तैयारी में, जिसमें ईओडब्ल्यू विंग दिल्ली पुलिस की वो सवाल जवाब करेगी कि किस तरीके से इस महाठगी में जैकलीन का संबंध रहा है। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। अरविंद, एक लंबी चौड़ी सवालों की फेहरिस्त आज जैकलीन के सामने होगी, किस तरीके के ये सवाल होंगे और अब तक जांच में क्या कुछ पाया गया है? जी देखिए, जो दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा है, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं नई दिल्ली इलाके में, यहीं पर जैकलीन से पूछताछ होगी। जो सूत्र बता रहे हैं, तकरीबन 11 बजे का वो वक्त होगा जब जैकलीन फर्नांडिस अपने वकीलों के साथ यहां पर पेश होगी। नेहा, मैं आपको बताऊं कि दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने ये तीसरा सम्मन भेजा है जैकलीन को। इसके पहले दो सम्मन लगातार बैक टू बैक भेजे गए थे जैकलीन फर्नांडिस को, लेकिन वो पूछताछ में शामिल नहीं हुई। लेकिन तीसरा सम्मन दिल्ली पुलिस ने भेजा और सख्ती के साथ भेजा, जिसके बाद जो दिल्ली में कल देर रात जैकलीन फर्नांडिस वो पहुंच चुकी है और 11 बजे के लगभग यहां पर पहुंचेंगी। दिल्ली पुलिस ने एक रणनीति बनाई है लंबी चौड़ी पूछताछ की। बहुत मुमकिन है कि आज के अलावा कल भी जैकलीन से पूछताछ होगी। जैकलीन से दरअसल सवाल जानना चाहेगी पूछताछ की, कितने गिफ्ट दिए सुकेश चंद्रशेखर ने। सुकेश चंद्रशेखर कौन है? 200 करोड़ से ज्यादा की ठगी का मास्टरमाइंड है, जिसने दिल्ली की जेल से ही ठगी की वारदात को अंजाम दिया।